أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, welcome to FCA online Sunday test system. आज 24 जून को जो टेस्ट हुआ है उसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. डिस्कशन इज ऑफ द बायोलॉजी सब्जेक्ट. इसमें आप देख लें कि जो पहले MCQs हैं इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डायोशियस प्लांट्स. डायोशियस मीन्स यूनिसेक्शुअल, इट मीन्स पिस्टिलेट और स्टेमिनेट. तो हमारे पास पिस्टिलेट और स्टेमिनेट फ्लावर जो हैं दे आर फाउंड ओनली इन कैटकन. सो आंसर इज डी. बाकी जो तीन ऑप्शन हैं दे आर बाईसेक्शुअल, ये हर्मीफ्रोडाइट होते हैं. ओनली कैटकन हैज पिस्टिलेट एंड स्टेमिनेट फ्लावर. लुक एट द MCQs नंबर टू, दैट इज गेमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट इन ऑल एक्सेप्ट. यहाँ पर आप देख लें कि ऑप्शन ए में ब्रायोफाइट है और ब्रायोफाइट कैटेगरी आपको पता है कि इन ऑल ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट जनरेशन इज गेमेटोफाइट. तो ये आंसर नहीं हो सकता. लाइक ऑप्शन डी ट्रैकियोफाइट है, इन ऑल ट्रैकियोफाइट्स द स्पोरोफाइट जनरेशन इज डोमिनेंट. लेकिन लाइक ऑप्शन डी हमारे पास एक्सेप्शनल केस है. और फर्न्स तो यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट है, तो ये आंसर भी गलत है. हमारे पास जो डी ऑप्शन है दैट इज़ अलवा, जो कि एलजी है और उसमें आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, तो इसमें भी गेमेटोफाइट डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है. सो करेक्ट आंसर इज जिम्नोस्पर्म, बिकॉज जिम्नोस्पर्म हैज इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट, सॉरी डिपेंडेंट गेमेटोफाइट ऑन स्पोरोफाइट. सो आवर करेक्ट आंसर इज सी. लुक एट द MCQs नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिलिका शेल्स. ये टेस्ट ईटा में बार बार MCQs आता है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजन है. शेल हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स में है, एक फोरामिनिफेरा में है जो कि एनिमल लाइक प्रोटेस्ट का मेंबर है, और एक शेल डाई एटम्स में है जो कि प्लांट लाइक प्रोटेस्ट है. इसमें जो डाई एटम्स हैं इनका जो सेल वॉल है, सॉरी शेल है, दैट इज़ कम्पोज ऑफ सिलिकेट्स. और जो हमारे पास फोरामिनिफेरा है इसका जो शेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का है, दैट इज़ कम्पोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो इनकी कंपोजिशन और यूजेज जो है बार बार ईटा टेस्ट में डिस्कस होती है. तो याद रखिए कि हमारे पास जो डाई एटम्स हैं इनका सेलवाल सिलिकेट से है, ठीक है, और जो फोरामिनिफेरा है इनमें जो शेल है दैट इज़ कम्पोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. सो हियर द करेक्ट आंसर इज डाई एटम्स बी. MCQs नंबर फोर, सेलवाल ऑफ ओवामाइकोटा इज मेड अप ऑफ डिश. ओवामाइकोटा इज़ नॉट फंजाई, ओवामाइकोटा इज़ फंजाई लाइक. और ये फंजाई लाइक इसलिए हैं क्योंकि जितने भी फंजाई हैं उनमें सेलवाल काइटिन का बना होता है, और जो हमारे पास फंजाई लाइक हैं तो उनमें सेलुलोज का बना होता है. अभी जो हम जो डिस्कस कर रहे हैं ओवामाइकोटा, सो दैट इज़ नॉट फंजाई, दैट इज़ फंजाई लाइक प्रोटेस्ट. तो फंजाई लाइक प्रोटेस्ट में याद रखें कि ये फंजाई लाइक है, फंजाई नहीं है, तो इनमें सेलवाल भी काइटिनियस नहीं है, तो सेलवाल इज़ कम्पोज ऑफ सेलुलोज. नाउ कम टू MCQs नंबर 11. नाउ कम टू MCQs नंबर 11. देयर इज़ नो इनहिबिटर, कंडीशंस आर आइडियल फॉर एंजाइम, बट स्टिल नन ऑफ द एंजाइम कैन परफॉर्म 100% एक्टिविटी बिकॉज ऑफ डिश. हमारे पास एंजाइम है उसके लिए सारी कंडीशंस आइडियल हैं, कोई इनहिबिटर प्रेजेंट नहीं है, फिर भी वो 100% एक्टिविटी नहीं कर रही, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, अनकम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, द लास्ट वन इज़ फीडबैक इनहिबिशन. तो आप याद रखें कि क्वेश्चन में हमने क्लियर किया हुआ है कि हमारे पास कोई फिजिकल इनहिबिटर प्रेजेंट नहीं है. सो आंसर ए बी सी आर रॉन्ग. हमारे पास फीडबैक इनहिबिशन है या प्रोडक्ट इनहिबिशन. जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं उसमें से कोई ऐसा इनहिबिटर प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि इसको ब्लॉक कर लेगा, या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या टाइप ऑफ प्रोडक्ट. तो ये हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ डी, फीडबैक इनहिबिशन. क्वेश्चन नंबर 12 आप देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस फोटो रिस्पायरेशन. फोटो रिस्पायरेशन रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको रिड्यूस करती हैं. तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन्होंने C4 फोटोसिंथेसिस को एडॉप्ट किया है. C4 फोटोसिंथेसिस जिस प्लांट में होगी उसमें फोटो रिस्पायरेशन नहीं होगी. C4 फोटोसिंथेसिस इज एडाप्टेशन ऑफ प्लांट टू रिड्यूस द चांस ऑफ फोटो रिस्पायरेशन. सो आंसर इज बी. अ मैसेंजर RNA दैट इज ट्रांसक्राइब फ्राम प्रोकैरियोटिक ओपेरॉन इज कॉल्ड डिश. हमारे पास ओपेरॉन वो होता है जिसमें सिंगल प्रोमोटर हो और बहुत सारे जीन्स उसके साथ
अटैच हुई। लेट सपोज ये मेरे पास डीएनए मॉलिक्यूल है और इस डीएनए मॉलिक्यूल में एक ही प्रमोटर है, इसके साथ कनेक्ट है जीन ए, जीन बी, जीन सी और जीन डी, और यहाँ पे टर्मिनेटर है और सारे जीन्स को कंट्रोल कर रहा है सेम प्रमोटर, दिस इज कॉल्ड ओपेरॉन। अब इससे जो मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब होगा वो मैसेंजर आरएनए भी कुछ यूँ होगा कि मैसेंजर आरएनए तो सेम होगा लेकिन उसके ऊपर जो मैसेजेस हैं दैट इज़ फॉर प्रोटीन ए, दैट इज़ फॉर प्रोटीन बी, दैट इज़ फॉर प्रोटीन सी एंड दैट इज़ फॉर प्रोटीन डी। मैसेंजर आरएनए सेम है लेकिन उसके ऊपर मैसेजेस बहुत ज़्यादा हैं, दिस इज़ कॉल्ड पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए। द आरएनए हैविंग मैसेजेस फॉर मेनी प्रोटीन्स, द आरएनए व्हिच इज़ ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम मेनी जीन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ सी। नाउ कम टू एमसीक्यूज नंबर 14। एमसीक्यूज नंबर 14, व्हेन सक्सिनेट कन्वर्ट्स इनटू फ्यूमरेट। ग्लाइकोलिसिस से एमसीक्यूज है कि जब हम सक्सिनेट को कन्वर्ट कर रहे हैं फ्यूमरेट में तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, तो आप एफ को एफ के साथ याद रखें, जब फ्यूमरेट बनता है तो एफ ए डी एच टू बनता है, जब फ्यूमरेट बनता है तो एफ ए डी एच टू, एक ही एफ ए डी एच टू बनते हैं पूरे क्रिप साइकिल में, और वो क्रिप साइकिल में जब सक्सिनेट कन्वर्ट हो रहे हैं फ्यूमरेट में, तो एफ को याद रखें एफ के साथ। ठीक है, जब फ्यूमरेट बनेगा तो साथ में एफ ए डी एच टू बनेगा, और ये क्वेश्चन है क्रिप साइकिल से, बीच से लिए गए हैं। नाउ कम टू एमसीक्यूज नंबर 21। डैश एंजाइम और एंजाइम्स इज रिक्वायर्ड फॉर एच आई वी रिप्लीकेशन। एच आई वी है वो आपकी बॉडी में रिप्लीकेट करना चाहते हैं तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज चाहिए, बी इंटीग्रेज चाहिए, सी प्रोटीएज चाहिए या ऑल ऑफ देम। आंसर इज ऑल ऑफ देम, इनको सारी चाहिए। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से ये सी डी एन ए बनाएगा, इंटीग्रेज से होस्ट डी एन ए में इंटीग्रेट करेगा, प्रोटीएज से लाइसिस ऑफ होस्ट सेल करेगा, तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ देम। 22, इन्फ्लुएंजा वायरस हैज डैश आर एन ए पीसीज। आप याद रखें इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है कि हमारे पास जो आर एन ए दो इस तरह के वायरस है जो आपके कोर्स में है, एक इन्फ्लुएंजा है और एक एच आई वी, तो आप याद रखें अगर आपसे इन्फ्लुएंजा का पूछे तो उसमें 8 आर एन ए मॉलिक्यूल्स हैं और मेटिंग प्रॉपर्टी है, और अगर आपसे एच आई वी पूछे तो उसमें 2 आर एन ए मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज़ कम्पोज ऑफ 2 आर एन ए मॉलिक्यूल्स, लेकिन यहाँ पर चूँकि इन्फ्लुएंजा है सो आंसर इज सी, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ आर एन ए। एमसीक्यूज नंबर 23, ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स एक्सेप्ट। वही एमसीक्यूज जो पहले डिस्कस हुआ है, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर है थोड़ा सा और स्टेटमेंट जो है वो चेंज है कि हमारे पास फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स फंजाई लाइक है, सिर्फ एक चीज़ चेंज है वो ये है कि सिलवाल इज नॉट मेड ऑफ काइटिन, सिलवाल इज कम्पोज ऑफ सेलुलोज, तो ये हमारे पास फंजाई लाइक प्रोटिस्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में सिलवाल इज कम्पोज ऑफ सेलुलोज, सो आंसर इज ए। 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड फ्री नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। द आंसर इज अल्फा प्रोटियो बैक्टीरिया। अब यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है, जब आप अल्फा प्रोटियो बैक्टीरिया पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक टर्म लिखा है सिम्बायोसिस, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर वहाँ तो सिम्बायोसिस है तो ये तो फ्री नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं हुआ। फ्री नाइट्रोजन फिक्सिंग का मतलब ये नहीं है कि बैक्टीरिया फ्री है, नाइट्रोजन फ्री है, फ्री नाइट्रोजन का मतलब है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, इट मींस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, चाहे बैक्टीरिया सिम्बायोसिस करे, म्यूचुअलिज्म करे, कमेंसलिज्म करे, जो भी करे, लेकिन अगर वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है तो इट मींस कि ये हमारे पास क्या है, फ्री नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया इज नॉट फ्री, नाइट्रोजन इज फ्री, फ्री नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, अभी हम आते हैं एमसीक्यूज नंबर 31। एमसीक्यूज 31 के स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ आपके लिए, फोटो रिस्पायरेशन इज मोर प्रोबेबल इन डैश, सो फोटो रिस्पायरेशन इज मोर प्रोबेबल इन ज़ेरोफाइट्स। हमारे पास जो डिजर्टेड प्लांट्स हैं वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा होती है, स्ट्रोमेटा सनकिन होते हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो जो प्रोड्यूस होते हैं फोटोसिंथेसिस में वो बाहर की तरफ नहीं निकलता, तो प्लांट के अंदर जो मेसोफिल सेल्स हैं उनके सराउंडिंग एरियाज़ को फिल कर लेता है ऑक्सीजन, और जब भी ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ जाएगी
तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा और फोटो रिस्पायरेशन स्टार्ट हो जाएगा. सो दैट्स वाई आंसर इज 05. द कॉमन कीटो हेक्सोज इज डैश फ्रक्टोज. आपको पता है कि इसमें कीटोन ग्रुप है, बाकी ग्लूकोज और गैलेक्टोज और राइबोज इन सब में हमारे पास एल्डिहाइड है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पायरेटरी सर्फिस. रिस्पायरेटरी सर्फिस परमेबिलिटी, ये उसकी प्रॉपर्टी है. एवरी रिस्पायरेटरी सर्फिस मस्ट बी परमिएबल. लार्ज सर्फिस एरिया होना चाहिए, थिन वॉल्ड भी होनी चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए. जितने भी सर्फिस एरिया मॉइस्चराइज होगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ईजी है. दैट्स वाई द आंसर इज सी. टेस एज डिजीज इज बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ डेज. दैट इज द फेलियर ऑफ लाइसोसोम. जब लाइसोसोम कैटाबोलिज्म ऑफ लिपिड्स नहीं करता तो लिपिड्स की एक्युमुलेशन हो जाती है और उसके एक्युमुलेशन की वजह से हमारे पास डिजीज़ काज होती है. टेस एज डिजीज़ चाइनीज टर्म है, इस वजह से ये नाम ज़रा अजीब सा है. 41. द डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर इज डैश. अप एंड डाउन डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है. दो बेस पेयर के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ 0.34 नैनोमीटर. ये अगर आपसे आर्मस्ट्रांग में पूछ लें तो 3.4 फिर आपका आंसर होगा, और अगर नैनोमीटर में पूछ लें तो 0.34 नैनोमीटर. इफ़ वी हैड टू राइट डाउन ऑल द इंफॉर्मेशन द DNA, इट वुड मेक डैश वॉल्यूम्स ईच ऑफ डैश पेजेस. तो ये आपकी बुक की इंफॉर्मेशन से लिया गया है. इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है. 900 and 500 पेजेस ऑफ ईच बुक. द मोस्ट रैपिड मेथड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इज. जीन के लिए देखिए ये सारे मेथड यूज़ हो सकते हैं जो हमने लिखे हैं. रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी भी पॉसिबल है. जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कापियाँ बना के देती है, जीन थेरेपी नहीं देती. लेकिन हमारे पास क्विक मेथड क्या है? क्विक मेथड है PCR, जो शॉर्ट टाइम में आपको देती है. PCR में टोटल टाइम लगता है 8 मिनट्स. सिर्फ 8 मिनट्स में ये एक जीन की दो जीन कापियाँ बना के आपको दे देते हैं. तो ये सबसे ज़्यादा लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. 44. बैक्टीरियल ग्रुप विच लेक सेल वॉल दे आर डैश. माइकोप्लाज्मा याद रखें कि हमारे पास वो बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं होता. ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ये तो सेल वॉल के बेस में है, तो इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है. साइनोबैक्टीरिया में भी है, सल्फर बैक्टीरिया में भी है. द ओनली ग्रुप विच डू नॉट हैव सेल वॉल दैट इज माइकोप्लाज्मा. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द 51. HIV हैज़ 3 जीन्स विच मेक स्ट्रक्चरल प्रोटीन विच आर डैश. तो आप याद रखिए गे कोल एंड वी 3 स्ट्रक्चरल जीन हैं, बाकी 6 जीन्स जो हैं वो फंक्शनल हैं, वो उनके लाइफ साइकिल को कंट्रोल करती हैं, ठीक है ना. 52. एरगोटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम डैश. एरगोटामिन हम कहाँ से रिसीव करते? तो आप याद रखिए क्लेविस परफोरी, ठीक है. ये इसका सोर्स है, तो सिर्फ सोर्स का पूछे इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है. डाइकेरियन ऑफ पिसिडियोमाइकोटा हैज डैश. हमेशा याद रखें जब भी फंजाई की बात होगी और अगर उसमें न्यूक्लियस ज़्यादा हैं, डाइकेरियन है, मल्टीकेरियन है, व्हाटएवर, लेकिन अगर वो फंजाई है तो उसके अंदर न्यूक्लियाई हेप्लाइड होंगे. अगर वो फंजाई लाइक है जिस तरह प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड है तो वहाँ पर डिप्लॉइड न्यूक्लियाई है. डिप्लॉइड न्यूक्लियाई इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फंजाई लाइक प्रोटिस्ट एंड हेप्लाइड न्यूक्लियाई इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फंजाई. ये दोनों में फ़र्क है. तो यहाँ पे चूंकि हम बिसिडियोमाइकोटा का पूछ रहे हैं, बिसिडियोमाइकोटा जो है वो फंजाई है, तो आंसर बी है. अगर ये क्वेश्चन बिसिडियोमाइकोटा की जगह प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड का होता, सुपर सेल जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो फिर आपका आंसर डिप्लॉइड होता है. जियोलॉजिकल एज ऑफ अर्थ डेटा इज डिटरमाइंड बाय डैश. सो आंसर इज फोरा मिनीफेरा, ठीक है. पहले भी हमने ये बात की कि फोरा मिनीफेरा की जो सेलवाल हैं दैट इज़ कम्पोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट इतना इजीली डिजॉल्व नहीं होता, डिके नहीं होता, तो इस वजह से ये हमारे पास रहता है लॉन्ग टाइम के लिए, और इससे हम एज ऑफ अर्थ को डिटरमाइन कर सकते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स द 61. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव लेग्यूल. हमारे पास कौन सा लाइकोप्सिडा है जिसमें लेग्यूल नहीं है? आपको पता है कि जितनी भी लाइकोप्सिडा हैं उन सब में हमारे पास लेग्यूल होते हैं. लेग्यूल इज मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर. लेकिन याद रखें लाइकोप्सिडा में एक्सेप्शनल केस है लाइकोपोडियम. लाइकोपोडियम के अलावा जितने भी मेंबर्स हैं उनमें लेग्यूल प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ
इसमें एबसेंट है. सो आंसर इज लाइकोपोडियम. कंपेनियन सेल्स ऑफ फ्लोएम इज फाउंड इन डिश एंजियोस्पर्म ओनली. ठीक है, कंपेनियन सेल ऑफ फ्लोएम और बेसल एलिमेंट्स ऑफ ज़ाइलम दे आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू एंजियोस्पर्म. बाकी किसी ग्रुप में ये आपको नहीं मिलेंगे. इंक्रीज इन पीएच ऑफ गार्ड सेल विल रिजल्ट इन डिश. जब इंक्रीज इन पीएच है तो इसका मतलब है कि डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड है, और जब डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड है इट मीन्स बेसिक मीडियम डेवलप हो रहा है. इसका मतलब है कि ये डे टाइम है, तो डे टाइम में ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा है. शुगर स्टार्च की जो आप लोगों ने पढ़ी है ये उससे इंस्टीट्यूज दिए है, तो ये आपका आंसर है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. डिक्रीज इन पीएच करो तो आंसर होता है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. मसल कंट्रेक्शन इज डैश प्रोसेस. याद रखें मसल कंट्रेक्शन इज एक्टोप्रोसेस. इट नीड्स एनर्जी टू पुश दी थिन फिलामेंट्स टूवर्ड्स ईच अदर. और जो हमारे पास रिलैक्सेशन ऑफ मसल है दैट इज पैसिव प्रोसेस, जो इसका रिएक्शन है सिर्फ. नाउ कम टू एमसीक्यूज नंबर 71. विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैक हाइड्रोजन बॉन्डिंग. देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी है, क्वार्टरनरी है, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्योंकि इनकी शेपिंग हुई है. प्राइमरी स्ट्रक्चर इज लीनियर, सो प्राइमरी स्ट्रक्चर हैज ओनली पेप्टाइड बॉन्ड्स. अगर इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाए और ये कॉइल हो जाए, फोल्ड हो जाए, तो फिर ये सेकेंडरी बन जाएगा. सो द आंसर इज ओनली प्राइमरी स्ट्रक्चर विच इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन लेवल्स. एमसीक्यू 72. आउट ऑफ टोटल एनर्जी डैश परसेंट इज यूज फॉर फिजिकल वर्क. अगर आपकी बॉडी में 100 ATPs हैं तो 35 ATPs यूज़ होंगे फॉर फिजिकल वर्क, बाकी 65 जो हैं वो यूज़ होंगे फॉर टेम्परेचर मेंटेनेंस, थर्मो रेगुलेशन. तो ये जो 65 है दैट इज़ फॉर थर्मो रेगुलेशन. फिजिकल वर्क के लिए यूज़ होता है जस्ट 35% ऑफ टोटल एनर्जी. सो आंसर इज 35B. लुक एट दी एमसीक्यूज नंबर 73 का स्टेटमेंट है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन आकर्स फॉर अप टू 10% ऑफ द टोटल ट्रांसपिरेशन. याद रखें कि हमारे पास जो स्टोमेटा है उसमें 90% जो ट्रांसपिरेशन है दैट आकर्स थ्रू स्टोमेटा, बाकी 7% जो है वो लेंटिकल्स के थ्रू होती है. ठीक है, मुख्तलिफ मैथड्स हैं लेकिन मेनली हम डिपेंड करते हैं ऑन स्टोमेटा विच इज़ 90%. रिंग वर्म डिजीज इज कॉज्ड बाय डैश. देख लिया रिंग वर्म बार बार ईटा में आता है क्योंकि रिंग वर्म से आपको कंसेप्ट मिलता है कि शायद ये कोई वर्म काज कर रहा है. तो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि ये शायद प्लेटियल मंकस है, या शायद ये एनिलीड्स हैं, या शायद ये नेमाटोड्स हैं. लेकिन याद रखिए रिंग वर्म सिर्फ नाम का रिंग वर्म है, जिस तरह उमर गुल है वो सिर्फ नाम का गुल है, बाकी हालात बड़े ख़राब हैं. तो ये जो रिंग वर्म है ये फंजाई काज करते हैं. ठीक है, तो ये आप याद रखें कि ये फंजाई की वजह से होते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई टॉपिक में आप देख लेंगे आपको मिल जाएगा. ठीक है, नाउ कम टू एमसीक्यूज नंबर 81 में हम डिस्कस करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड लैक्टेटिंग मदर इज इनहिबिटेड बाय डिश. मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो जो मदर अपने बच्चों को मिल्क देती हैं तो उनमें प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन स्टार्ट होती ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, क्योंकि मिल्किंग के लिए ज़रूरी है सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन, एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन स्टॉप कर लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को. 100% लेडीज़ में ये अप्लाई नहीं होता, मेजॉरिटी ऑफ लेडीज़ में ये चीज़ है कि वो प्रोलैक्टिन जो है वो स्टॉप कर लेती है. इसमें एक्सेप्शनल केसेस भी हैं. ठीक है, लेकिन मेनली हम कहते हैं कि प्रोलैक्टिन इज़ दी रिस्पॉन्सिबल हार्मोन फॉर दी मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लॉकेज इन लैक्टेटिंग मदर्स. नाउ कम टू 82 स्टेटमेंट है कि ऑल आर द मेंबर्स ऑफ लाइकोप्सिडा एक्सेप्ट. तो इसमें इक्वेसिटम आंसर है. इक्वेसिटम इज स्फीनोप्सिडा हार्स्टेल जिसको हम कहते हैं, जो थर्ड ग्रुप है आर्थ्रोफाइटा ये उसका मेंबर है. बाकी जो तीनों मेंबर्स के नाम लिखे दे आर द मेंबर्स ऑफ लाइकोप्सिडा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीफाइलेटिक. पॉलीफाइलेटिक का मतलब ये कि हमारे पास कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जिसकी फाइलेटिक लीनिएज जो है वो ज़्यादा फाइला से मिलती जुलती हो. तो हमारे पास प्रोटिस्टा जो हैं ये पॉलीफाइलेटिक हैं क्योंकि इनमें फंजाई लाइक कैरेक्टर्स भी हैं, इनमें एनिमल लाइक कैरेक्टर्स भी हैं, इनमें प्लांट लाइक कैरेक्टर्स भी हैं. दैट्स वाई प्रोटिस्टा आर कॉल्ड पॉलीफाइलेटिक. इसके साथ साथ आप तीन मिनिमिलिया में याद रखें जो हमारे पास इकाइनोडर्मेटा है
Echinoderma are also polyphyletic and Protista are polyphyletic. तो ये जो हमारे पास ऑप्शंस हैं इसमें Protista is the answer. Next is informative question. The optimum pH for invertase enzyme is dash. So that is 4.5. टेबल से लिया गया है, एंजाइम चैप्टर के टेबल में मौजूद है. Now come to MCQs number 91 में देख लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. इट मीन्स इसमें मॉर्फोलॉजिकली और फोटोसिंथेटिकली गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों सेम हो, तो उसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ये दो ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं, तो वो दोनों मैंने MCQs में दिए हैं. इन दोनों के अलावा किसी में भी पॉसिबल नहीं है. तो ये स्टूडेंट्स याद रखें, एक एक्टोकार्पस है और एक अल्वा है. इन दोनों के अलावा कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आइसोमॉर्फिक हो. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन लिग्निफाइड सेल्स. कोलिनकाइमा. कोलिनकाइमा लफ्ज का मतलब है ग्लू लाइक. ये खुद स्टिकी होते हैं, दे आर ग्लू लाइक. ये खुद स्टिकी होते हैं, सो दे नीड्स नो स्टिकी मटीरियल. ये खुद ग्लू लाइक हैं और सेल टू सेल अटैचमेंट खुद कर सकते हैं, तो इनको किसी लिग्निन की ज़रूरत नहीं होती. दे आर नॉन लिग्निफाइड सेल्स. बाकी पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, स्टोन सेल्स जो कि स्क्लेरेन्काइमा की टाइप हैं, उन सब में लिग्निन प्रेजेंट होता है, स्टिकी मटीरियल, सीमेंटिंग एजेंट है. 93 एनलार्जमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज द फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन. मिल्किंग के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है. ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन में स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं. ऑक्सीटोसिन बॉडी से मिल्क इजेक्शन के लिए यूज होते हैं, जिसको हम लेट डाउन रिफ्लेक्स कहते हैं. जो हमारे पास प्रोलैक्टिन है ये लेट डाउन रिफ्लेक्स नहीं कराता, ये सिंथेसिस सिक्रीशन ऑफ मिल्क, ठीक है, और इनलार्जमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स. 94 स्पर्म्स आर नरिश्ड बाय डिश. स्पर्म्स आर नरिश्ड बाय सर्टिलाइज सेल्स, ठीक है. लेडिक सेल्स, इंटरस्टीशियल सेल्स एक ही चीज़ है. इनहिबिन ब्लॉक करती है स्पर्म की सिंथेसिस को. नरिशमेंट के साथ सर्टिलाइज सेल्स का लिंक है. सो आंसर इज डी, डेल्टा. नाउ कम टू MCQs नंबर 101. मैटरनल फीटल RH इनकम्पेटेबिलिटी occurs when मदर इज पॉजिटिव फीटस नेगेटिव. नो, जब मदर पॉजिटिव है तो कभी भी RH इनकम्पेटेबिलिटी नहीं होगी. मदर नेगेटिव, फीटस पॉजिटिव. अब यहाँ पे देख लें कि मदर नेगेटिव है, मदर की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीजन डी को नहीं जानता, RH को नहीं जानता, और उसके बॉडी के अंदर जो फीटस है उसके फीटस के अंदर RH है, तो वो RH एक नया चीज़ है, एक न्यू मटेरियल है फॉर द मदर इम्यून सिस्टम. वो समझता है कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल है, कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई पैथोजन है, कोई एंटीजन है जो कि इश्यूज काज कर सकते हैं, तो मदर का इम्यून सिस्टम उसके लिए प्रोड्यूस हो जाते हैं. तो आप याद रखें कि जितने भी केसेस दिए हैं इन एक केस में भी पॉसिबल नहीं है. द ओनली केस इज मदर नेगेटिव, फीटस पॉजिटिव. तो हमारे पास मेटरनल फीटल इनकम्पेटेबिलिटी होगी और डिजीज़ काज होगी एरिथ्रोब्लास्टोसिस. डिजीज इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस. एरिथ्रोसाइट्स बनने से पहले पहले एरिथ्रोब्लास्ट बनते हैं, तो मदर का इम्यून सिस्टम फीटस के एरिथ्रोब्लास्ट को डैमेज कर लेते हैं. 102 स्पर्म सिंथेसिस इज कंट्रोल्ड बाय डैश सेल्स. सेल्स का पूछा है, हार्मोन का नहीं पूछा. यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इनहिबिन पे टिक मार्क लगाते हैं. इनहिबिन तो ठीक है, ब्लॉक करता है, लेकिन इनहिबिन सेल नहीं है. क्वेश्चन में आपसे सेल पूछा है, सो आप याद रखें कि इनहिबिन इज प्रोड्यूस बाय सर्टिलाइज सेल्स, तो आपका आंसर सर्टिलाइज सेल है. अगर यहाँ पे सेल की जगह हार्मोन पूछा होता तो फिर आपका आंसर सी था. नाउ कम टू 103 17 कार्बन रिंग इज प्रेजेंट इन. 17 कार्बन रिंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टीराइड्स ओनली. ग्लोबुलर प्रोटीन की नहीं है, वैक्सिस नहीं है, उसमें हमारे पास कोई 17 कार्बन रिंग मौजूद नहीं है. फैटी एसिड और ग्लाइसरोल है, ठीक है. प्रोटीन में तो पॉसिबिलिटी नहीं है, टर्बिनाइड्स में भी नहीं है, तो पॉसिबिलिटी इज इन स्टीराइड्स, ठीक है. नाउ कम टू MCQs नंबर 111.
एमसीक्यूज नंबर 111, ठीक है। 111 की स्टेटमेंट है, इन पोरफायरिन रिंग द हेड इज डैश। आप याद रखें कि हमारे पास जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है और उसकी टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है। सो आंसर में हेड का पूछा है तो हमारा आंसर ए है। अगर ये क्वेश्चन टेल का पूछा होता तो फिर आपका आंसर हाइड्रोफोबिक होना चाहिए, ठीक है। रीज़न क्या है हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक होने का, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट सेंटेंस में डिस्कस करेंगे। 112, विच वन आकर्स इन डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोलाइसिस नहीं होती, लाइट रिएक्शन की प्रॉपर्टी है। फोटोफॉस्फोरिलेशन लाइट की प्रॉपर्टी है। सिंथेसिस ऑफ NADPH2 लाइट की प्रॉपर्टी है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डार्क रिएक्शन। सो आंसर इज सी। इन एवरेज ह्यूमन क्रोमोसोम अप्रॉक्सीमेटली हैव अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, याद रखें। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, सेकंड ईयर क्रोमोसोम एंड डीएनए से लिया गया है। कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम में आप देख लें, उसमें ये एमसीक्यूज आपको मिल जाएगा। फ्रेश ह्यूमन सलाइवा इज अल्कलाइन, ये आंसर है आपके एमसीक्यूज का। ईटो में भी याद रखें, कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है। अब ऊपर आपको दिया है कि सलाइवा इज अल्कलाइन, तो ये एसिडिक है, ये पीएचबी एसिडिक है, ये पीएचबी एसिडिक है, ये आपका आंसर है। आंसर इज 8 पीएच, ठीक है। 121, साइटोक्रोम्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर डैश। जब आपसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात होती है तो बी साइटोक्रोम बी सी ए ए 3 है। और जब आपसे पूछते हैं लाइट रिएक्शन का नॉन साइक्लिक, तो उसमें बी साइटोक्रोम बी के बाद साइटोक्रोम एफ और फिर उसके बाद पी सी है। तो चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पूछा है, ठीक है, तो ये हमारे पास बी आंसर है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टेक्स प्लेस डैश टाइम फॉर 1 ग्लूकोज ब्रेकडाउन। अब ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देता हूँ, ठीक है। आप याद रखिए कि कैसे हम इसका आंसर निकालते हैं 12। इसमें आप देख लें कि जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास बनती है 2 NADH2। इसी तरह लिंक रिएक्शन में भी बनती है, 2 लिंक रिएक्शन है तो दोनों में कलेक्टिवली बनती है 2 NADH2। इसी तरह अगर आप क्रिप्स साइकिल देख लें तो एक क्रिप्स साइकिल में बनती है 3 NADH2, लेकिन क्रिप्स साइकिल 2 मरतबा होते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें टोटल बनती है 6 NADH2। और क्रिप्स साइकिल ही में हमारे पास बनते हैं 2 FADH2। अब इन सबको काउंट करते हैं, 2 FADH2 6 NADH2 8 हो गए, 8 + 2 10, 10 + 2 12। हर एक के लिए अलग अलग होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टेक्स प्लेस डैश टाइम्स फॉर 1 ग्लूकोज ब्रेकडाउन, तो 1 ग्लूकोज ब्रेकडाउन के लिए 12 टाइम्स, जिसमें 10 NADH2 हैं और 2 FADH2 हैं। बाकी जितने भी प्रिपरेटरी फेज के अलावा सारे स्टेप्स 2 मरतबा होते हैं। ऑक्सीडेटिव फेज 2 टाइम्स, ऑक्सीडेटिव फेज 2 टाइम्स। इसी तरह हमारे पास लिंक रिएक्शन 2 टाइम्स, क्रिप्स साइकिल 2 टाइम, लेकिन याद रखें कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है दैट अकर्स 12 टाइम्स, फॉर एवरी NADH2 एंड फॉर एवरी FADH2 सेपरेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर्स। द मूवमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम -70 mV टू +50 mV इज डीप पोलराइजेशन, क्योंकि इसमें पोल्स ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। आउटसाइड द एग्जान पॉजिटिव होते हैं, इनसाइड द एग्जान नेगेटिव। तो जब एग्जान भी पॉजिटिव हो जाए तो दोनों साइड से पोल्स ख़त्म हो जाते हैं, इस वजह से हम इसको डीप पोलराइजेशन कहते हैं। विच प्रोसेस यूटिलाइज्ड ATP एंड डजंट जनरेट ATP। पूरे रिस्पायरेशन में एक ही स्टेप है जिसमें ATP यूज तो होती है लेकिन प्रोड्यूस नहीं होती, दैट इज प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज में हमारे 2 ATPs यूज हो जाते हैं लेकिन सिंथेसाइज एक भी नहीं होता, सो दैट इज द ओनली फेज इन विच ATPs आर यूटिलाइज्ड, बट ATPs आर नॉट सिंथेसाइज्ड। प्रिपरेटरी फेज, ऑक्सीडेटिव फेज में 4 ATPs बनती हैं, लिंक रिएक्शन में 2 NADH2 बनती हैं तो वो 6 ATPs के इक्वल हैं। क्रिप्स साइकिल में एक क्रिप्स साइकिल 12 ATPs बना के देता है,
तो ये सारे एटीपी सिंथेसिस प्रोसेसेस हैं। प्रिपरेटरी फेज इज द प्रोसेस इन विच एटीपीज आर यूटिलाइज्ड। अच्छा जी, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, दैट इज 131। यहाँ पे लास्ट में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ओनली वंस पर वन ग्लूकोज ब्रेकडाउन। तो आप याद रखें कि एक ग्लूकोज के लिए प्रिपरेटरी फेज ही मतलब होता है, ऑक्सीडेटिव फेज टू टाइम्स होते हैं, लिंक रिएक्शन टू टाइम्स होते हैं, क्रिप्स साइकिल टू टाइम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 12 टाइम्स होते हैं। 132, मेमल्स आर सेड टू हैव डबल सर्कुलेशन, इट मीन्स दैट। तो डबल सर्कुलेशन का मतलब ये कि द ब्लड सर्कुलेट्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट, हमारे पास जो हार्ट है उसमें ब्लड टू टाइम्स मूव करते हैं, राइट साइड में डी ऑक्सीजनेटेड और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड। तो हार्ट में एट अ टाइम टू टाइप्स ऑफ ब्लड आते हैं, एक मरतबा ऑक्सीजनेट हो के आते हैं और एक मरतबा डी ऑक्सीजनेट हो के आते हैं। तो आंसर इज द ब्लड सर्कुलेट ट्वाइस थ्रू द हार्ट। 133, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेसाइल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेसाइल। ज़ूओफ्लैजेलेट्स में फ्लैजेला हैं, मोटाइल हैं, अमेबा में सुडोपोडिया हैं, मोटाइल हैं, यूक्लिनोज़ोआइड्स में सीलिया हैं, मोटाइल हैं, एपी कम्प्लेक्स प्लाज्मोडियम जिसकी एग्जाम्पल है मलेरियल पैरासाइट, वो ब्लड के थ्रू फ्लो करता है एंड इट डज नॉट हैव एनी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। 134, द इनहेरिटेंस रिलेटेड टू डैश क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड होलेंड्रिक, होलेंड्रिक इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाई क्रोमोसोम ओनली। जो वाई लिंक करेक्टरिस्टिक्स हैं, द इनहेरिटेंस ऑफ वाई लिंक करेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड होलेंड्रिक। नाउ कम टू 141, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स आर डैश इन नेचर। देखिए सेक्स लिंक नहीं है क्योंकि इनके जो जीन्स हैं वो एक्स वाई पे नहीं है, एक्स वाई से एपिस्टेटेड होते हैं, सेक्स लिमिटेड है ये, क्योंकि सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जो मेल के हैं दैट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली फीमेल जेंडर, और मेल फीमेल के जो हैं वो फीमेल तक रिस्ट्रिक्टेड हैं और मेल के जो करेक्टर हैं वो मेल तक रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो ये हमारे पास सेक्स लिमिटेड में आते हैं, अगर पॉसिबिलिटी दोनों में होती तो फिर हम सेक्स इन्फ्लुएंस कहते हैं। बाल्डनेस इन मेल इज डैश, बाल्डनेस इन मेल इज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट इन फीमेल दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में आपसे मेल का पूछे तो हमारा आंसर होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, अगर मेल का ना पूछा होता एज अ होल पूछा होता तो ये आंसर भी ठीक है, ये भी ठीक है, फिर बोथ ऑफ दिम उसका आंसर हम कंसिडर करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, 143, द टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डैश, द टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड टीलोमियर्स। टीलोमियर्स का ये फ़ायदा है कि इनको हम टीलोमियर्स कहते हैं, दे आर टीलोमियर्स, दैट इज टीलोमियर। एक और क्रोमोसोम ड्रा करते हैं, ये टीलोमियर्स इनके साइड वाइज अटैचमेंट को प्रिवेंट करते हैं, क्रोमोसोम कभी भी इस तरह अटैचमेंट नहीं कर सकते, क्रोमोसोम हमेशा इस तरह अटैचमेंट करते हैं। जब इस तरह अटैचमेंट होती है तो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होती है, क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल है। अगर हमारे पास टेलोमियर्स ना होते और ये हेड टू टेल अटैचमेंट करते तो फिर क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं थी, एंड वी नीड क्रॉसिंग ओवर बिकॉज वी नीड वेरिएशंस। सो टेलोमियर हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोवाइड चांस टू क्रॉसिंग ओवर। अ सोलेनोइड और क्रोमेटिन हैज़ द विड्थ ऑफ 30 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर डीएनए का साइज है, 10 नैनोमीटर हमारे पास एक न्यूक्लियोसोम का साइज है, डायमीटर है सॉरी, और 30 नैनोमीटर जो है वो फिर सोलेनोइड या क्रोमेटिन का है। सुपर कोइल का 200 है और जब क्रोमेटिन बन जाते हैं तो वो 700 है। नाउ कम टू 151, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर आरएनए विल डायरेक्टली अटैच विथ पी साइट एंड रिमेनिंग ऑल विल अटैच ऑन ए साइड। तो हमेशा याद रखें एमसीक्यूज के लिए कि हर मैसेंजर आरएनए के स्टार्ट पे स्टार्ट कोडन होता है, स्टार्ट कोडन हमारे पास AUG है और इसके अलावा कोई और कोडन पॉसिबल नहीं होता। तो सबसे पहले AUG है का एंटी कोडन आता है,
और वो डायरेक्टली अटैचमेंट करते हैं पी साइड पे। इसके बाद जितने भी हमारे पास ट्रांसफर आर एन ए आते हैं वो पहले ए साइड पे अटैच होते हैं और फिर ए से पी पर ट्रांसलोकेट करते हैं। ट्रांसलेशन में ये आपने पढ़ा है, लेकिन हम पूछ रहे हैं पी साइड की, तो पी साइड का मतलब है कि हम पूछ रहे हैं स्टार्ट कोडान की, तो स्टार्ट कोडान का एंट्री कोडान क्या होगा, दैट विल बी यू ए सी। सो आंसर इज ए। 152, इफ कोडान्स हैव फोर न्यूक्लियोटाइड्स देयर वुड बी डैश पॉसिबल कोडान। याद रखें हमारे पास जो नॉर्मल कंडीशन है एक कोडान में थ्री न्यूक्लियोटाइड है, तो हमारे पास फार्मूला है 4^3, इसलिए हमारे पास जो कोडान्स है वो 64 है। अगर हम एक कोडान में थ्री की जगह फोर कंसिडर कर लें, फॉर एग्जाम्पल ए यू जी है, और हम कंसिडर कर लें कि कोडान इस तरह होते हैं ए यू जी यू फोर फोर होते हैं, तो फिर कितने कोडान्स बनते हैं, फिर हमारे पास 4^4 बन जाएगा, तो उसका आंसर 256। आपकी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है कि अगर न्यूक्लियोटाइड्स दो हैं तो फिर 4^2 हो जाएगा और फिर उसका आंसर क्या होगा 16, जो आपने एक्सरसाइज में टिक मार्क लगाया। तो जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स गिवन हो एक कोडान में वो पावर बन जाएगा, बेस हमारा 4 होगा, ठीक है। अभी हमने 4 लिया तो 4^4 256। अगर एमसी कुछ में 2 पूछ लें तो 4^2, अगर नेचुरल पूछ लें तो नेचुरली हमारे पास 3 है तो 4^360। अभी हम आते हैं 153 स्टेटमेंट लेते हैं, लेकिन एमसी कुछ बहुत ईजी है। अ प्रोटीन इज कम्पोज ऑफ 100 अमाइनो एसिड, आपको एक प्रोटीन मिला है और उस प्रोटीन में अमाइनो एसिड 100 है। दिस प्रोटीन इज इन सिंगल चेन, एक ही चेन प्रोटीन है, टू चेन थ्री चेन नहीं है। हाउ मेनी कोडॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। देख लें ये मैसेंजर आरएनए है, इस पे 100 कोडॉन्स तो है ही, 100 कोडॉन्स तो मस्ट हैं, क्योंकि हर एक कोडॉन ने एक एक अमाइनो एसिड को इनकोड किया है और आखिर में एक स्टॉप कोडॉन भी आया होगा इस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए। तो 100 कोडॉन्स हो गए अमाइनो एसिड के लिए और एक हो गया स्टॉप कोडॉन, तो हमारे पास टोटल हो गए 101। 154, डैश रिप्रेजेंट्स द थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म, तो यूनिफॉर्मिटिज्म थ्योरी दी है जेम्स हैल्टन और चार्लिस लाइल, ठीक है। इनकी जो थ्योरी है इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन दैट इज यूनिफॉर्मिटिज्म। अरिस्टोटल साहब ने जो थ्योरी दी थी वो लेटर ऑफ नेचर स्केला नेचुरा, ठीक है, वो है। अच्छा, बाकी इनसे कुछ के लिए याद रखें एफ सी ए के पेज पर भी आप कर सकते हैं। फॉर बायोलॉजी ओनली यू कैन व्हाट्सअप योर इशूज योर प्रॉब्लम्स ऑन माई पर्सनल नंबर। अगर किसी एम सी क्यूज में इशू है इसके बाद भी कोई एम सी क्यूज डिस्कशन में क्लियर नहीं है तो बेशक आप उसकी पिक्चर या वॉइस मैसेज में सेंड कर सकते हैं। फॉर बायोलॉजी होप सो आपको डिस्कशन की समझ आ गई होगी, फिर भी अगर कोई इशू है किसी भी टॉपिक में तो डोंट हेजिटेट, यू कैन सेंड योर मैसेजेस ऑन दिस नंबर। थैंक यू सो मच।